प्रतला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और भाजपा वरिष्ठ नेता ने आज अपने कार्यालय पर नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में कई हजार की संख्या में इलाके के लोग पहुंचे और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से आए हो? पिछला से। कहाँ से? कितने लोगों को लेके आए साथ? 1000 आदमी आया हमारा। क्यों लेके आए हो? क्या कार्यक्रम है? हम जो MLA को बनाएंगे जी भैया आगे चल के। अच्छा, टेकचंद शर्मा जी को? टेकचंद शर्मा को सपोर्ट दे रहे हो? बिल्कुल पक्का। कार्यक्रम रखा है, कितने लोग पहुँचने की उम्मीद है? हमारा 8000 आदमी पूरे एरिया का आने की उम्मीद है। क्यों बनाना चाहते हो टेकचंद शर्मा को? ये आदमी बहुत ईमानदार अच्छा आदमी है। अच्छा, काम बहुत करे इसने हमारे इसमें क्षेत्र में। और किसी विधायक ने नहीं करे? नहीं, और किसी ने नहीं करे। जैसे ही बनाओगे? इसे ही बनाएंगे। कौन सी पार्टी से? हम तो निर्दलीय में बना देंगे। निर्दलीय में बनाओगे? हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से हो? बिरला से। बिरला से किसको सपोर्ट करते हो? टेकचंद शर्मा को। टेकचंद शर्मा को। हाँ जी। कार्यक्रम में पहुँचे हो, क्या लगता है कितने लोग पहुँचेंगे? बिल्कुल हम आए कम से कम 1000 आदमी। 1000 आदमी आए हो? किस कार्यक्रम में पहुँचे हो? किसके कार्यक्रम में पहुँचे हो? क्या कार्यक्रम है यहाँ? क्या कार्यक्रम है? अच्छा, तो आपकी बार किसको विधायक बनाओगे 2024 में? अच्छा, ठीक से सर समर्थन देने नहीं पहुँचे आप? ठीक से सर समर्थन देने पहुँचे? हाँ जी। हाँ जी। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है जी पंडित जी इनको जो है आगे राजनीति के लिए। अच्छा, दोबारा MLA बनाने के लिए लोग चाहते हैं क्या? अच्छी तरह से सारे ही गाँवों के लोग आए हैं। बिरसला है, संख्या में लोग पहुँचने की उम्मीद है? कम से कम आज पहुँचे आप वहाँ तक देखो, पिछले तक लाइन लगी हुई है। अच्छा, ऐसा समझो कि हो सकता है 1,00,000 आदमी भी हो जाए। अच्छा जी, मतलब पूरा रोड जाम? देखो ना, ये देखो पूरा रोड जाम करोगे? पूरा नहीं, रोड जाम नहीं होगा, रोड चालू है। लेकिन आप ये देखो इस अंडर पास से लेकर के पिछला तक दोनों सड़कों पर लाइन लगी हुई है। लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे तो रोड जाम तो हो ही जाएगा। रोड जाम साइड में लगा। अच्छा, नहीं लेकिन रोड पूरा समर्थन है लोगों का? पूरा समर्थन है। अच्छा जी, धन मान धन मान जान तो सबसे सबसे धन मान सबसे बड़ा चीज है। सबसे बड़ा कर्मठ नेता ये है। अच्छा, ब्राह्मण नेता भी कर्मठ नेता ये है। ईमानदार खासियत ईमानदार है तो सभी के नेता खासियत ईमानदार ज्यादा है। और अजय क्या आवाज है पूरे दलबल के साथ लेके आ रहे हो? देखो जी, एक एक आह्वान हुआ है टेकचंद शर्मा जी का, पूरा गांव चला आया। अच्छा जी, कितनी संख्या में लेके आए हो? हाँ जी बिल्कुल। कितनी संख्या है लोगों को? 200 आदमी जी। अच्छा जी, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम विधायक जी ने बुलाया है नए साल के उसमें। अच्छा, आए हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव भी कोई टेंशन ही ना है? कोई टेंशन ही ना, कैसे कोई टक्कर में ना, बेकार बेकार की बात करें। और बाकी क्यों बनाना चाहते हैं फिर से? काम किया। अच्छा, जनता कह रही है, इलाका कह रहा। अच्छा, आप भी कह रहे हो काम किया? हाँ जी, काम किया पंडित जी, काम पूरा किया। इलाका फिर समर्थन दोगे? बिल्कुल। हाँ जी, पूरा समर्थन है। सब तरीका से? सब तरीका से। सब तरीका, टिकट हो या ना हो। अच्छा, सब तरीका से। हाँ जी बाबू जी, सब तरीका से, तन मन धन सब चीज के साथ। पब्लिक ऐसे कैसे कर रही है? ऐसा क्या काम कर दिया विधायक जी ने? विधायक जी ने बहुत काम किए। अच्छा, और आगे भी करने की इच्छा है। अच्छा विधायक जी। अच्छा बाबू जी, आप भी चाहते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करें। बढ़िया काम करें और भी करेंगे। अच्छा, ये रोड तो तुमने जाम कर दिया, पब्लिक इतनी आ रही है? पब्लिक तो बुलाइए तो जाइए। अच्छा, और क्या, तो पूरा समर्थन माने पब्लिक का? क्या नाम है? रोहता सरपंच। रोहता जी कहाँ से आए हैं? हजूरका से। क्या बात है कि दलबल के साथ पहुंचे हैं आज? दलबल के साथ ये है कि हम दोबारा से टेकचंद शर्मा को चंडीगढ़ भेजेंगे 2024 में। क्या मानते हैं कि टिकट भेजेंगे या मतलब चाहते हो? तो जनता के हाथ में टिकट है, जनता के हाथ में जेब में टिकट है, जो जनता चाहेगी वही होगा। और शर्मा जी किसी भी पार्टी चाहेंगे हम उनके साथ हैं, दलबल के साथ। विधायक साहब, आज तो आपने रंग जमा दिया प्रतला विधानसभा क्षेत्र में नववर्ष मिलन समारोह या चुनावी आगाज। ये चुनावी आगाज कह लो या नववर्ष मिलन समारोह कह लो या प्यार कह लो, मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। चुनाव में 12 महीने 3600 मतलब 2400 घंटे पूरे हफ्ता
पूरे साल मैं जिस दिन से राजनीति में आया हूँ हमेशा चुनाव लड़ता रहता हूँ और चुनाव से मेरे को डर नहीं लगता। पिछली बार हमारे साथ में जो अन्याय हुआ था, अगर आगे भी किसी ने अन्याय करने की कोशिश की तो आपके जनता जनार्दन से आशीर्वाद हमने ले रखा है और हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। आज का माहौल देखें, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, कम से कम 10 से 15 हजार लोग आपने एक बुलावे पर आप पहुंचे, तो क्या लगता है कि 2024 का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? देखिए 2024 का हो या कोई और हो, वैसे 2024 में चुनाव होने हैं, अब तो चुनाव तो चुनाव होता है, बाकी जब तक इनके चरणों की धूल हमारे ऊपर और इनका आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर रहेगा तो हमें कोई चुनाव हराने वाला नहीं होता। जनता जनार्दन होती है, वो सबके बड़ी टिकट होती है, सबसे बड़ा प्यार होता है, सबसे बड़ा लगाव होता है। शर्मा जी, कितना बड़ा आह्वान किया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोड के ऊपर पूरा रोड जाम कर दिया, सीकरी तक इधर गाड़ियां लगी हुई है, इधर आपके कैली से आगे तक गाड़ियां चले गई, दूसरी साइड में गाड़ियां लगी हुई है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, बोले कितने कैसा आह्वान किया गया? आह्वान मैंने फोनों किए थे। अच्छा। मैंने किसी को संसाधन नहीं दिए, मैंने किसी को हाँ खाने पे जरूर अपना सहभोज की जरूर प्रार्थना की थी और उनका प्यार देख करके मेरे को नहीं समझ में आया आगे से हम बड़ी जगह पे प्रोग्राम किया करेंगे, ये छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं है, बाकी उनके दिलों में छोटी नहीं है, उनके दिलों में बहुत बड़ा प्यार है मेरे प्रति। जनता कैसा आशीर्वाद देख गई है, क्या कह गई है जनता? जनता जनार्दन का आपने भी सुना होगा, देखा होगा 10 बजे से हालत जो है, मैं उसके बारे में मैं आपसे कहूं कि भाई ये आशीर्वाद ये देके गई है, उनका आशीर्वाद का हाथ जब 10,000 आदमी एक बुलावे पे आ सकते हैं, 12,000 आदमी आ सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल, पब्लिक तो आई है, इलाके के लोग तो आए हैं, पर बीएसपी के कार्यकर्ता भी हम देख रहे हैं कि पटका डाल डाल करके आ रहे थे। आप इसी चीज को देख लो ना कि बीएसपी का साथी, मतलब यहाँ ये कह रहा है कि ना पार्टी है ना कोई है, टेकचंद शर्मा हमारा भाई है, हम तो उसको चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जगह से हो, हम टेकचंद शर्मा को एमएलए देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं तो उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ और बहुजन समाज पार्टी का तो मैं सदैव बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का तो मैं ऋणी इसलिए रहूँगा कि उन्होंने मेरे को 2014 में वहाँ उस पार्टी के माध्यम से मेरे को चंडीगढ़ में पहुँचाया, उनका मैं सदैव आभारी था हूँ और रहूंगा।